क्या जाति और मजहब का अनुपात हम इस तरह की कार्रवाइयों में ढूंढेंगे? और अगर वो अनुपात नहीं है क्या, तब तो ये होगा अगर डकैती पड़ी और 6 लोग गिरफ्तार हुए तो 6 में फिर हिस्सेदारी सबकी हो, नहीं तो आप लोग मानोगे नहीं, लड़ने आ जाओगे, कहोगे एक तरफा हो रहा जी। क्या कहा जा रहा है कि पूरे देश में मुसलमानों को डिमोलिश करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को एक वो चल रहा है कार्य, और जो हिंदुओं के डिमोलिश हो रहे वो किस खाते में जाएंगे भैया वंशराज जी? अमिताभ जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस मुद्दे पे आज बहस हो रही है, अवैध कब्जे कहीं भी हो, आपने ठीक कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सर इसको प्रशासन तय करता है कि अवैध कब्जा जहां भी है उसको हटाए, उसको साफ कराए, मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूं। लेकिन एक लाइन मुझे याद आ रही कि जो जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, गोपाल ऐसी हालत हो गई है हमारे हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमिताभ जी संवैधानिक संस्था नहीं है, अमिताभ जी वो नहीं तय करेंगे कि कब क्या होगा कब नहीं होगा। थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कांग्रेस की भी सरकार दिल्ली में रही, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से एमसीडी में सरकार है, 15 साल से लेंडर के नाम पे, कब्जे के नाम पर मोटी दलाली खाई वहां पर इन लोगों ने, जबरदस्ती लोगों को बसाया लाकर बाहर बाहर से, और जब आज अभी 4 दिन पहले पहले वहां पे दंगा होता है, पंडित जी ने मुहूर्त बताया था क्या कि जब दंगा हो जाएगा, जब दंगा फसाद हो जाएगा, जब दिल्ली जलने लगेगी उसी समय आप बुलडोजर चला देना। पूरी दिल्ली में आप देखेंगे तो एमसीडी ने किस तरीके से बाहर के लोगों को लाकर, चाहे वह रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी हो, उनको ला लाकर बसाया है और मोटा चंदा खाया, मोटी दलाली खाई। तो सवाल तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन से पूछना चाहिए। आपने जेन्यून सवाल उठाए, मैं सबको बहस में ले आऊं, मैं शाहबाज के पास चलूंगा, लेकिन एक एक थोड़ी सी चुटकी लेने का मन कर रहा है वंशराज की पार्टी पर। भैया कल से आप लोगों ने एक नया फार्मूला निकाला कि बीजेपी वालों ने रोहिंग्या बसाए और बांग्लादेशी बसाए, ठीक है, वो बीजेपी वाले बताएंगे कि कहां से पकड़ के लाए, बसाए नहीं बसाए। मैं तो एक बात जानता हूं, क्या उनको बिजली पानी दिल्ली का जो भी पहचान पत्र होगा, जो भी कार्यक्रम है वो सरकार ने किया होगा ना भैया, कि वो बोरिस जॉनसन से लेके आए। आएंगे जब दोबारा आएंगे तब, अभी आपके संज्ञान में डाल दिया, अभी फिर तो शास्त्रार्थ हो जाएगा। बाकी सबको ये ध्यान रखो इसी बातें, ताकि लॉजिकल बहस हो हम लोगों की। बाकी थेतराई तो सब जगह हो ही रही भैया, बाकी जगह देख ही रहे हो क्या तू में। शहबाज खान, मैं इस बात के भी खिलाफ हूं, टाइमिंग ठीक है, टाइमिंग एक ऐसी चीज है जो आपके नियत को थोड़ा सा एक्सपोज कर देती है, ठीक, लेकिन टाइमिंग ऐसा हर्डल नहीं है कि इलीगल है, इसलिए मैं इस बात के उसमें नहीं जाता। आज जो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चिल्ला रही थी, आपके वरिष्ठ नेता जो कभी राम मंदिर रुक जाए 2019 के चुनाव के बाद उस पर कोर्ट सुनवाई करे, ये कहने गए थे, वो कह रहे थे कोर्ट में आज कि हुजूर मुसलमानों पर हिंदुस्तान में कहीं बुलडोजर नहीं चले, ऐसा हुक्म दे दीजिए। ये किस किस कहां पहुंच गया देश भैया? कोई अदालत माई की लाल है जो ऐसी ऐसा निर्णय दे सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हो, कोई कोर्ट हो, दे सकती है क्या कि हिंदू पर हिंदू की गिरफ्तारी नहीं होगी, ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं होगी, बामन की नहीं होगी, फला की होगी, ढिका का मकान, ये क्या कर रहे हो यार तमाशा सब लोग मिलके? शहबाज धन्यवाद अमिताभ जी, सबसे पहले तो टीवी 9 के दर्शकों को नमस्कार, और जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप बातें तोड़ मरोड़ कर कपिल सिब्बल जी की बता रहे हैं वो भी एक तरीके से निंदनीय है। उन्होंने बोला कि देश का मुसलमान और देश का गरीब आपसे डरता नहीं है, और जब आप देखेंगे 2014 से अगर देखेंगे तो जिस तरीके से मुस्लिम्स के खिलाफ खासकर जिस तरीके से तुष्टीकरण अपीसमेंट की राजनीति हुई है वो किसी से छिपी नहीं है, चाहे कोई भी कानून हो, चाहे वो CA NRC हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमशान और कब्रिस्तान में देश को बांटने वाले बयान दे दें, ये तमाम तरीके के अन्य बयान, अभी भी आप बोल रहे हैं कि JCB का नाम बदल कर रख दिया है कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड है,
तो ये एक तरीके से क्लियर मैसेज है। और जब हम चीजों को संज्ञान में लेते हैं तो मेजोरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, अगर आप मेजोरिटी देखेंगे तो उसमें मुस्लिम विक्टिम बने हैं, मुस्लिमों के खिलाफ कुछ बुरा हुआ है। इसी तरीके से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इसके बारे में आवाज उठाई है। आप खारेगांव में देख लीजिए, 29 दुकानें 16 मकान, जिसमें मेजोरिटी टूटने वालों की मुसलमानों की थी। सीएएनआरसी में हमारे देश में 10,000 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमान उठाए गए, आज वो जेलों के पीछे सड़ रहे हैं कि उसकी जमानतें हो गई हैं, कुछ अभी भी अंदर हैं। अलग है, एक बार रुकना होगा। आपने कहा कपिल सिब्बल की बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, वो निंदनीय है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मैं कोट करता हूँ, हमारी मांग, अरे सुन लो बाबू, बड़बड़ा क्यों रहे हो? अरे नहीं, भाग थोड़ी जाएंगे ना। कपिल सिब्बल जो कुछ बोला वो हजार साल तक रहेगा, काहे को परेशान हो? और कपिल सिब्बल आज आपको नहीं फंसाए कांग्रेस को, कांग्रेस के ही लोग मुझे बताते कि वो कई बार कांग्रेस के गले में ऐसी रस्सी डाल देते हैं कि कांग्रेस छटपटाती रह जाती है, हमको मालूम है। कपिल सिब्बल, अरे ठीक है भाई, सिब्बल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, हमारी मांग है कि मुस्लिम क्षेत्र में रिहायशी या व्यावसायिक ढांचे को पूरी प्रक्रिया के बिना न ढाया जाए, हम इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा, हम पूरे देश में अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। कपिल सिब्बल ये भी कह सकते थे कि पूरे देश में जहां भी गलत ढंग से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा हो, कपिल सिब्बल मुस्लिम क्षेत्र में मांगने गए थे। बिल्कुल है ना? आप जी मुझे बस एक मिनट का मौका दीजिए। जी बिल्कुल। अभी मेरे भाई वंश अभी मेरे भाई वंशराज दुबे जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात रखी कि जहां जहां पर अगर छोटा मोटा कोई भी, छोटा बड़ा मैं सभी को बोल रहा हूँ, दोनों पक्षों की तरफ से बोल रहा हूँ, अगर दंगा होता है तो इनका इंक्रोचमेंट के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर इनका बुलडोजर शुरू हो जाता है, जो क्लियर थ्रेट है रूल ऑफ लॉ के नाम पर। आज सुप्रीम कोर्ट की कुछ ही देर की पहले की इनके ऊपर फटकार है कि आपने कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया, हमारे ऑर्डर को आपने फॉलो किया। बताइए, आप ये भी मेंशन कीजिए ना कि आपने जो इंक्रोचमेंट का एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया, कि नोटिस दिया रिक्शा को, ठेलों को, स्टॉल को ढहाने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है, किसी बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है, इतनी इतनी छोटी चीजों को ढहाने के लिए। दीपक पांडे के पास आऊंगा। ये मसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, बुलडोजर पर काफी फोकस किया दवे साहब ने और सिब्बल साहब ने, तो जस्टिस नागेश्वर ने, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, उनसे कहा कि अतिक्रमण बुलडोजर से ही हटता है, और ऐसे किया, ठीक है ना, कि इशू खत्म करिए। सिर्फ उतनी बात पर कोर्ट को ध्यान दिलाइए कि गैर कानूनी क्या है, वहां फोकस था मुस्लिम और बुलडोजर, कोर्ट बार बार उनको डिरेल होने से टोक रहा था और कह रहा था हम, कोर्ट का ताल्लुक सिर्फ न मुस्लिम से न बुलडोजर से, कोर्ट का ताल्लुक है क्या सरकार का, क्या प्रशासन का कदम गैर कानूनी है तो सिद्ध करिए, बात खत्म। इतनी सी तो बात थी, इसीलिए नोटिस हुए कि शपा एफिडेविट दायर करिए, उस पर हम नोटिस लेंगे, दो हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे, मेरिट डिमेरिट पर तो अभी चर्चा नहीं हुई। ठीक, दीपक पांडे अगर आप तक आवाज आ रही है तो मैं बड़ा एक विचित्र परिस्थिति में, आप लोग भी आई, 22 तारीख को जहांगीरपुरी में शफीकुर रहमान बर्क आएंगे क्या? ये बर्क साहब वो है जो अभी 4 दिन पहले बोले थे कि सपा जो है वो मुसलमानों के लिए ठीक काम नहीं कर रही। खैर, वो आपका मामला, चचा को मना लिया। अब मसला ये, आपकी पार्टी के एक मुस्लिम में मिले, उनका पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा डिमोलिश हुआ जो अवैध था, वो घूम घूम के सब जगह कह रहे कि एक भी पार्टी वाला नहीं आया ना, अखिलेश जी ने मेरे लिए आवाज उठाई, वहां तो आप लड़े नहीं क्या? और यही बात आजम खान के लोग कह रहे हैं, और जहांगीरपुरी में आप प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हो 5 लोगों का, पांडे जी तो यूपी के भी मुसलमानों का ख्याल रखो थोड़ा। नहीं देखिए, मुसलमानों का ख्याल हर जगह रखा जाएगा अमिताभ जी। जी, रही बात यहाँ पे जो कानूनी प्रक्रिया की, यहाँ पे देखिए कांग्रेस बात कर रही है कि मुसलमानों का तोड़ दिया गया, बीजेपी बात कर रही है कि मुस्लिमों का हमने तोड़ दिया।
ये दोनों लोग इसको कमलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ये बात नहीं कर रहा है कि प्रक्रिया जो हुई है वो सही है या नहीं, और जो इसकी टाइमिंग है वो सही है या नहीं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो जो इन चीजों का है, ये जो बुलडोजर शुरू हुआ है, बुलडोजर का जो ये फंक्शन और ये जो इवेंट शुरू हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक है। आज जो लोग खुशी मना रहे हैं, कल ये लोग भी दुख मनाएंगे, क्योंकि ये जब शुरू हो जाएगा, आज ये लोग तोड़ रहे हैं, कल को कोई दूसरा आएगा वो भी तोड़ेगा। तो ये देखिए क्या है, संविधान से ऊपर जाकर के, नियम कानून से ऊपर जाकर के ये सब करना ये उचित नहीं है। अगर आप कानूनी प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, कल भी मैंने इस बात को रेखांकित किया था, अव्वल तो संविधान बहुत बड़ी चीज है, उसमें बुलडोजर, जेसीबी, एमसीडी ऐसे नाम कहीं नहीं लिखे भैया, ढोर ढंगर। एक तो ये समझ लो, एक तो परमानेंटली समझ लो, आगे की बहसों में भी जीवन में काम आएगा। दूसरी बात मैं समझना चाह रहा हूं, जो आप बात कह रहे हो, टाइमिंग पर कानूनन कौन सी रोक है, कौन सा कानून ये कहता कि इसके बाद ये नहीं हो सकते, हो सकता बिल्कुल नहीं, कहां रोक है बताइए। लेकिन आप ये बताइए, कानून आपने कहा ठीक है, ये जो गया है, क्या प्रॉपर जो हिंसा हुई है उसके बाद क्या उसके बाद कोई नोटिस दी गई थी, जो उस पर कार्रवाई हुई है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। आपने ये जानने की कोशिश की, और उधर से जब पूछा जा रहा है तो लोग बोल रहे हैं हम कोर्ट में दिखा देंगे, हमने नोटिस भेजा था, हम वहां दिखा देंगे। ये सारी प्रक्रिया देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग इसको तोड़ने की कोशिश किए हैं, तो वो लोग भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इसको कमलाइज ढंग से तोड़ा है, हमने एक स्पेसिफिक लोगों का तोड़ा है। आप बहुत चतुराई से खेल खेलने की कोशिश कर रहे दोस्त। मैंने कहा वहां गुप्ता जी का दुकान गई, झा साहब की गई, शर्मा जी की गई, सुल्तान की गई, रफीक की गई, अब्दुल्ला की गई, कहां हो? नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, अभी जानकारी अधूरी है, तोड़े हैं वो नहीं कर रहे हैं, जानकारी अधूरी है, आपकी जानकारी कम है। वो लोग कह रहे हैं कि ये कंट्रोल देखिए, वो लोग आपकी जानकारी नहीं है, जहांगीरपुरी नहीं, मुझे पूरी जानकारी है, जहांगीरपुरी को लेकर के मैं भी दिल्ली में बैठा हूँ। अमिताभ साहब देखिए, आप जो लोग तोड़ रहे हैं वो लोग इसको प्योर कमलाइज करके तोड़ रहे हैं, आप उसमें झा साहब को ला करके इसको दिखाने की ना कोशिश कीजिए कि हमने इसमें झा साहब भी तोड़ दिए गए, इसमें पांडे जी भी तोड़ दिए गए, अग्निहोत्री साहब भी तोड़ दिए गए, ये नहीं, उनका प्योर एजेंडा यही है कि हमने एक स्पेसिफिक कमलाइज लोगों को तोड़ा है, जो लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की। दीपक पांडे रुके, मैं ये नहीं समझ पा रहा भाई, क्या समाजवादी पार्टी अगली बार घोषणा पत्र में ये लिखने का साहस करेगी चुनाव में कि हमको वोट दो, फिर उसके बाद चाहे जहां जो बनाना हो बना लेना, अगर आप फला फला वर्ग से आते हैं तो कोई माइका लाल आपका अतिक्रमण नहीं हटाएगा, बिल्कुल या तो ये कहने का साहस ले करो, अपने विधायक की मदद में जाने रहे हो और यहां बता रहे हो कि भाई साहब कम्युनलाइज, देखिए यहां पे अगर मुसलमान ने गलत बनाया उसका भी ठोका जाएगा, हिंदू ने गलत बनाया उसका भी जाएगा, समाजवादी पार्टी से पूछ के होगा क्या? बस आप अमिताभ जी कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, और उस कार्रवाई करने के बाद ठीक है, विनय शुक्ला के पास चलूंगा भाई, आगे बात आगे दोबारा में भी, अरे रुक जाओ बाबू, दोबारा में भी आएंगे, रुक जाओ, विनय शुक्ला के पास चलूंगा। विनय शुक्ला, मेरा वो खैर राजनीति है, वो मेरे एक शो करने से क्या हजार शो करने से भी बंद नहीं होगी। मैंने कल भी इस बात को उठाया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 दर्जन से ज़्यादा हिंदू लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई बुलडोजर के जरिए, ठीक, लेकिन पोस्टर पर केवल 2-3 चेहरे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक खेल वहीं से बनेगा, बाकी से तो बनना नहीं। आज भी रोशन लाल जो हैं उनके यहाँ बुलडोजर चला, वो हिंदू हैं, रोशन लाल के पक्ष में कोई नहीं खड़ा हो रहा, ना ना बहन जी, ना प्रियंका जी, ना अखिलेश भैया, कोई नहीं खड़ा हो रहा, वो हिंदू है, उनका भी आज बुलडोजर चढ़ा, तो क्या इनका नाम अशफाक होता तभी खड़ा हुआ जाएगा? सवाल ये बड़ा है। विनय शुक्ला, मेरा मानना ये है, मंशा पर सवाल और कानूनी प्रतिबंध दो अलग चीजें हैं, लेकिन लोकतंत्र लोकलाज से भी चलता है,
मैं उन लोगों से सवाल पूछ रहा था तो मेरा जेस्चर दूसरा था, आपके साथ दूसरा होगा। लोकतंत्र में लोक लाज की भी कोई हैसियत होती है कि नहीं होती है? लोकतंत्र केवल कागज पत्र कानून से नहीं चलता, लोकलाज से भी चलता है। या तो 10 दिन पहले यह कर लिया होता, या 10 दिन बात कर लिए होते। जहांगीरपुरी भागी जा रही थी, जहांगीरपुरी भाग रही थी, कोई जेब में रख के लिए जाता नहीं ना, ठेला भी मिलता, दुकान भी मिलती, मकान भी मिलता। ये जल्दबाजी क्यों? ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल उठेगा। लेकिन ये सवाल उठा वही आदमी मेरे जैसा सकता है जिसका तराजू का कांटा बीच में होगा। इधर झुके वाले नहीं उठा पाएंगे और उधर झुके वाले भी जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा सवाल, जहांगीरपुरी में जो किया वो 1 महीने बाद होता तो क्या समस्या आ जाती? विनीत जी। जी अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि जहांगीरपुरी चला नहीं जाता अगर 4 दिन बाद कार्रवाई होती, क्या ये सवाल उन लोगों से कोई करता है? तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये दल सारे पार कर चुके हैं। आप सरकार में हो तो आपसे सवाल होगा भाई। हाँ। आप विपक्ष में होते मैं आपसे भी चकलस करके छोड़ देता जैसे बाकी दलों से। जी जी। अब आम आदमी पार्टी से काम क्या करूं, मैं अलग सवाल पूछूंगा, लेकिन सपा से और कांग्रेस इनका क्या करूंगा? जी, ये तो कुछ भी बोलने के लिए आजाद है, ये तो सरकार में है नहीं। नहीं नहीं, निश्चित सवाल तो होगा, ये कौन सी बात हो गई जी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। विनीत एक मिनट, इस बात को मेरे साथ सब लोग समझ लो भाई। पार्टी अलग चीज, आम आदमी पार्टी अलग चीज है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार अलग चीज है, ठीक। भारतीय जनता पार्टी अलग चीज है, हुकूमत हिंदुस्तान अलग चीज है, उत्तर सरकार उत्तर प्रदेश अलग चीज है, ये समझिए जी। देखिए, सरकार और प्रशासन अपना काम जो दिल्ली के अंदर हुआ, जहांगीरपुरी में एमसीडी पहले से भी कार्रवाई, जैसा कि वहां के अधिकारियों ने बयान दिया है और बोला है कि लगातार कार्रवाई पहले से चली आ रही है। दूसरी बात, अभी जो प्रवक्ता सपा के थे वो मानने को तैयार नहीं थे कि वहां पर गुप्ता का स्टोर तोड़ा गया या गुप्ता जी का ठेला तोड़ा गया, ये मानने को तैयार नहीं थे, जबकि सारे सबूत हैं, सबके सामने आया है, टीवी में सभी चैनलों पर आया है, सभी ने देखा। सुने नहीं फिर से आपको बता दें, हमने कहा कि सबका तोड़ा गया, वो लोग नहीं है ना। आप विनीत शुक्ला की बात आने दो अभी, फिर पहले आप बात सुन लीजिए, इसके बाद बोलिएगा जी। नहीं, आपको जब क्लियर ही नहीं है, आपको पता ही कुछ नहीं है, तो आप सुनिए पहले। हमें भरपूर पता है, आपकी नियत भी पता है, आपकी मंशा भी पता है। अरे भाई, मेरी बहस में थोड़ी मर्यादा अनुशासन सब लोग रखो भाई। हाँ, हमने आपको सुना है। देखिए, इस तरीके से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से आज उतर करके आ गए, जब पत्थरबाजी हुई, जब कहीं दंगा होता है तो दंगाइयों के लिए कभी नहीं बोलते कि ये गलत काम हुआ, ये पत्थर चला तो ये गलत काम हुआ। इस पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोलता है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि मेजोरिटी में और जिहाद कंट्रोल बोर्ड कह दिया गया उसको, जेसीबी को, तो क्यों भाई, दिक्कत क्या है? बोला है, अरे भाई बोला है तो क्या दिक्कत है? जो जिहाद करेगा, क्या आप जिहाद करते हैं? आप नहीं करते ना कांग्रेस के मित्र हमारे साहब भाई। मिल गया होगा। नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ को टारगेट करने के बाद ही ये सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। पर्टिकुलर नहीं, मुसलमान क्या जिहाद करने के लिए पैदा हुआ है क्या?